Welcome to TVN7 News. TVN7 News. बहुत ही गर्व की बात है कि आज इस कार्यक्रम में अन्नर उलम कॉलेज के JNCC के विद्यार्थी हैं, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस दीप प्रज्वलन के साथ आज के ये कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। सागर मिश्रा साथ पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए उनका, तालियां, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को हमारे बच्चे महोदय छोड़ते नहीं है, जो वास्तव में एक ऐसे कार्यक्रम है। नवजीवन बाल विकास मंदिर तृतीय वार्षिकोत्सव के लिए जो हमारे गीता मिश्रा जी चेयरपर्सन, जस्टिस सिहानी जी, डॉक्टर सुल्ताना खान जी, श्रीमती मंजुला राव जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, श्री ममता संतोष गुप्ता जी, सागर मिश्रा जी, मैंने स्टार्ट किया तो मैं इनॉग्रेशन किया था। हमारा बिलाल साहब आए थे, गीता मिश्रा जी एक आश्रम अनाथ बच्चों के वास्ते खोल रही है, आप आइए इनॉग्रेशन कीजिए बोले, तो बहुत से लोग आए थे, हमारे मारवाड़ी समाज के लोग भी, गुजराती समाज के लोग भी, बहुत से माँ बहने आए थे, बहुत से बड़े लोग आए, वहाँ उसका उद्घाटन हुआ। जब से 2 साल से ये चल रही है, अब गीता मिश्रा जी उनको तो 100 साल जिएंगे, ये जो काम कर रही है अनाथ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, एक मिसाल है, क्योंकि अपना घर को आश्रम बना के दूसरे के घर में किराए को रहने का उनका और पति और बेटा बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो ये आदर्श की हमारे गीता मिश्रा जी आदर्श का फैमिली रखते हैं, ये बहुत अच्छा आदर्श काम कर रही है। अब इसके लिए हम कुछ भी शब्द बोल नहीं सकते, कितना भी बोले तो कम है, क्योंकि आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर बच्ची पढ़ती है घर पर एजुकेशन होता है। मैं आप लोगों से कहूंगी, मैं वाकई में 0 से 0 से ऊपर आकर आज हम लोग यहाँ तक आए हैं, और मेरे बच्चों का रिजल्ट ये है कि हमारे बच्चे स्कूल में 11 बच्चियों का नाम सबसे ऊपर है। ये तो मैं बहुत फख्र से बोलूंगी, मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये इस तरह मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोगों का इतना सहयोग है, ये सब लोग मेरे हौसलों को बुलंद करने के लिए यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ज़्यादा टाइम ले लेते हुए धन्यवाद बोलती हूँ। अपने घर को आश्रम रूपी एक मंदिर बनाना कोई छोटी बात नहीं होती है, खुद की और सबसे पहले मैं इस आश्रम बनाने में जो सबसे ज़्यादा सहयोग मिला है वो मेरे परिवार का है, जिसमें से सागर मिश्रा का नाम मैं लेना नहीं भूलूंगी, जो कि मेरा बेटा है, और आज उसकी बदौलत मैं ये आश्रम चला रही हूँ, क्योंकि जो बिल्डिंग में मैं आश्रम चलाती हूँ वो मेरी अपनी बिल्डिंग है, हम लोग वो खाली करके किराए के घर में रह के यहाँ ये मंदिर चला रहे हैं। तो मैं आप सबको एक ही बात बोलूँगी कि उनके लिए
परों की जरूरत नहीं होती है, उड़ने के लिए परों की जरूरत नहीं होती, हौसलों की जरूरत होती है। मैं एक बहुत मिडिल क्लास की औरत हूँ, मेरे को बिल्कुल मतलब ऐसा पैसों से जो लोग बड़े बड़े काम करते मैं वो नहीं कर पाती, लेकिन मैं एक मन में सोची थी कि ये मैं करके रहूँगी। जो थोड़े लोग जो आजकल की लड़कियों को हो रहा है बहुत ज़्यादा अत्याचार, उसको मैं कुछ ना हजारों में से कम एक 50 बच्चों का तो मैं अच्छे से पालन पोषण करूँगी, ये मैं सोची और बस ये डिसीजन ले ली कि बस खोलूँगी तो मेरे इसी सूरत में। तो कोई ने मुझे किराए का घर नहीं दिया, तो इसीलिए मैं मेरा बेटा मेरे हस्बैंड अपना घर खाली करके उसमें हम लोगों ने आश्रम बना लिया। अब रहा इन लोगों का खाना पीना पालन पोषण कैसे हो, मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये कैसे हो रहा है। इसमें कई गुजराती लोग, कई मारवाड़ी लोग और कई ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि कुछ करना, लेकिन उनको सही जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन मेरे आश्रम में वो लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ सहयोग करते गए और आज मैं बहुत गर्व से कहूँगी कि मेरा मंदिर, मेरा आश्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। शायद ही कोई ऐसा आश्रम होगा जहाँ पर ये लड़कियाँ इतनी अच्छे से रहती हैं। ये बच्चियों को मैंने मेरा जीरो बैलेंस रहते हुए भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, वैदिक वामाक्षी वैदिक हाई स्कूल में। बस यही सोची थी कि कोई ना कोई आगे बढ़कर इन लोगों की फीस भरेगा और हुआ ही ऐसा, कई लोग आगे बढ़े और मेरे बच्चों की एक एक साल की फीस भर दिए हैं और मेरे बच्चों को लेने स्कूल बस आती है। सुबह 7:15 बजे बच्चे स्कूल को चले जाते हैं, 5 बजे उठ के योगा प्रार्थना स्नान करके 7:15 को ये बच्चे चले जाते हैं। और कोई ऐसे नेक लोग हैं जो कि दो लीटर दूध देकर 6-7 लीटर दूध आता है डेली, 2 डज़न केले आते हैं, ये तो डेली रूटीन है। और बिस्किट चॉकलेट की तो मैं दुकान भी खोल सकती हूँ। तो इस तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी आप लोगों से एक प्रार्थना करूँगी कि हमारे पास फाइनेंशियल स्वागत अभिनंदन। एक बार हम सब मिलकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि साहब का।